नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और आज मैं बात करूंगी, अगर आपने भी कोई होम लोन लिया है और उस होम लोन से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत आपको है तो आप उसको सॉल्व कैसे करा सकते हैं। इंडिया में आप हाउसिंग लोन या होम लोन दो तरीके से ले सकते हैं। एक आप बैंक में जाके ले सकते हैं, सेकंड आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास जाके ले सकते हैं। अगर आपकी जो कंप्लेन है बैंक से है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, दोनों केसेस में फर्स्ट टाइम आपने अपने बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कंप्लेन करना है। कंप्लेन किसी भी तरीके से करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप अपना कंप्लेन नंबर जरूर जरूर लो। और जो कंप्लेन नंबर है वो एक ही रखें, बार बार नई नई कंप्लेन रजिस्टर ना कराएं। तो जब आपके पास आपका कंप्लेन नंबर आ जाता है, उसके बाद आपने 30 दिन का टाइम देना है। अगर बैंक से लोन लिया है, हाउसिंग लोन लिया है, तो बैंक को दो। अगर आपने वो होम लोन या हाउसिंग लोन अपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया है तो उस कंपनी को दो। तो दोनों केसेस में आपने कंप्लेन रजिस्टर की, 30 दिन का वेट किया। अगर 30 दिन में आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आता है, अगर आपने सिर्फ बैंक से ही लोन लिया है जहां पे एप्लीकेशन फॉर्म पे सिर्फ बैंक का नाम है, तो आप उस होम लोन के अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे बैंकिंग ओम्बड्समैन को, और उसके बाद अपील करेंगे उनके बैंकिंग ओम्बड्समैन के डिसीजन के अगेंस्ट आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को। तो ये दोनों वीडियोस मेरे चैनल पे दी हुई हैं, उसको आप देख सकते हैं कि कैसे कंप्लेन कर सकते हैं और अपनी बैंक से जुड़े होम लोन की प्रॉब्लम को रिसॉल्व करा सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो जो हमारे जो लीगल ऑप्शंस हैं लाइक कोर्ट में आप केस डाल सकते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है वो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं या होम फाइनेंस कंपनीज हैं, उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जब फर्स्ट टाइम आप लोन अप्लाई करते हैं तो उसपे क्लियरली लिखा होता है उस कंपनी का नाम। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या होम फाइनेंस कंपनी ऐसे लिखा है, तो उस केस में कंप्लेन अगर आपकी है आपके होम लोन से रिलेटेड, वो आप करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक के थ्रू। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं इंडिया में जितनी भी, उनके नाम मैं आगे दिखाऊंगी इसी वीडियो में कि इंडिया में कितनी सारी एचएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो इस टाइम ऑपरेट कर रही हैं। तो वो सारी कंपनीज जो हैं उनको सुपरवाइज करता है नेशनल हाउसिंग बैंक। एनएचबी जो है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, वो भी आरबीआई का ही एक तरह से पार्ट है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से आपने जो होम लोन लिया है उससे रिलेटेड कंप्लेन के केस में भी आपको उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को 30 दिन का टाइम देना है। तो उस 30 दिन में अगर आपको लगता है कि सॉल्यूशन नहीं आया है, आप प्रॉपरली उसको फॉलो अप भी करें कंप्लेन नंबर लेने के बाद, तो आप एचएफसी की भी इसी तरीके से ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म या फिर लेवल्स होते हैं कंप्लेन के, तो फर्स्ट लेवल पे कंप्लेन रिजोल्व नहीं हो रही तो सेकंड पे जाएं, देन थर्ड पे जाएं। इसकी डिटेल भी सेम वे बहुत जल्दी मेरी वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगी। और अदरवाइज जिस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से आपने लिया है होम लोन, उसकी वेबसाइट पे भी आपको ये डिटेल मिलेंगी। तो वो कंप्लेन के लेवल्स फॉलो करें, फर्स्ट लेवल, देन सेकंड, देन थर्ड। अगर नहीं होती है रिजॉल्व, उसके बाद एनएचपी, नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर ऑल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो 30 दिन के बाद आप एनएचपी में भी डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हो नेशनल हाउसिंग बैंक। अगर आपको लगता है कि एनएचपी में कंप्लेन करने के बाद भी आप खुश नहीं है या जो सोल्यूशन उन्होंने दिया उससे संतुष्ट नहीं है, तो जैसे ही आपको आपकी कंप्लेन का सोल्यूशन मिलता है या रिस्पॉन्स, फाइनल रिस्पॉन्स मिलता है, उसके 30 दिन के अंदर आप उसी डिसीजन के अगेंस्ट जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक का आया है, उसी डिसीजन के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो चीफ ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को नेशनल हाउसिंग बैंक के। और अगर आपको लगता है कि उनका भी डिसीजन आ गया है, अपील आपने की, वहां से भी आप खुश नहीं है, तो आप नेशनल हाउसिंग बैंक के चेयरमैन को या डायरेक्टर को अपील कर सकते हो चीफ ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर जो एपलेट अथॉरिटी थे उनके भी डिसीजन के अगेंस्ट। तो ये था तरीका, अगर आपकी होम लोन से जुड़ी किसी भी तरह का कोई भी इशू हो, चाहे वो आपके ईएमआई से रिलेटेड है, ईएमआई मोरेटोरियम से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है, किसी तरीके के चार्जेस से जुड़ा हुआ है, किसी भी तरीके की कंप्लेन जो कि हाउसिंग लोन या होम लोन से जुड़ी है, तो इस तरीके से अगर आपने वो लोन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया है, चाहे वो आपने बैंक के थ्रू जाके हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है या फिर आपने डायरेक्टली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है, इन दोनों ही केसेस में नेशनल हाउसिंग बैंक आपकी हेल्प करेगा। मतलब आप बाय पोस्ट अपना कंप्लेन लेटर, कंप्लेन भेजना चाहते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक को, तो ये एड्रेस मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ से आप फॉर्म, कंप्लेन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
अगर आपका जो होम लोन है उसका केस या उसके रिले उससे रिलेटेड कंप्लेन ऑलरेडी कोर्ट में जा चुकी है, लाइक कंज्यूमर कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा चुकी है, तो उस केस में नेशनल हाउसिंग बैंक पे आप कंप्लेन ना करें। सेकेंड थिंग, अगर जब भी आप फर्स्ट टाइम कंप्लेन रजिस्टर करते हैं तो पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने कलेक्ट कर लें, जो कि उस जो फैक्ट है या जो आपकी प्रॉब्लम या कंप्लेन है उसको प्रूव करने में आपकी हेल्प करे। तो वो सारे प्रूफ्स या सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास पहले से होने चाहिए कंप्लेन रजिस्टर। अगर आपका जो हाउसिंग लोन है, होम लोन है, वो बैंक से है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से है, तो दोनों ही केसेस में सबसे पहला काम आपने करना है, आपने अगर लोन बैंक से लिया है तो आप उसी बैंक में कंप्लेन रजिस्टर कराएं, और अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया है तो उसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराएं। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं किसी भी बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड के, ये सब आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे, जहां पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको सिर्फ एक वेबसाइट विजिट करने की जरूरत है किसी भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लेन या प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए। मैं जितनी भी HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं इंडिया में उन सब के नाम आपको दिखाऊंगी। इनमें जो बड़े नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, HDFC, ICICI होम फाइनेंस, LIC होम फाइनेंस, PNB, जो बड़ी HFC है वो है इंडिया पुल्स हाउसिंग फाइनेंस, रेलिगेयर, महिंद्रा रूरल, रिलायंस होम फाइनेंस, IIFL होम फाइनेंस, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, मन्नापुरम, मोतीलाल ओसवाल, मुथूट, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फुलर्टन, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीरामल हाउसिंग फाइनेंस। तो ये सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं इंडिया में जो कि इस टाइम एक्टिव हैं, और इनसे अगर आपका कोई भी होम लोन है, किसी और तरीके का आपने लोन लिया है, तो उसके अगेंस्ट अगर कुछ भी इश्यू है तो आप ऑनलाइन कैसे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, अब मैं ये आपको बताती हूँ। आपके बैंक, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज कंपनीज, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस फोर्सेस एंड ट्रेवल वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो सब्सक्राइब लिखा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। बेल आइकन पे आपने क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करना है। यहाँ से वीडियो को लाइक करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें। देखिए, नेशनल हाउसिंग बैंक की वेबसाइट पे मैं गई हूँ, ये इसका फर्स्ट पेज है, nsb.org.in इसका वेब एड्रेस है। यहाँ पे आपने ई सर्विसेज में जाना है, इस पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट जो ऑप्शन है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, इसमें आपने जाना है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम कंप्लेन कर रहे हैं या ऑलरेडी कंप्लेन कर चुके हैं, उसका स्टेटस चेक करना है, या जो कंप्लेन की थी उसका स्टेटस या रिस्पॉन्स आने के बाद उसके अगेंस्ट आपने अपील की है, तो भी आपने एक ही ऑप्शन चूज करना है, ये सेम है, तो आपने कंप्लेनेंट पे क्लिक करना है। नेशनल हाउसिंग बैंक पे अगर आप फर्स्ट टाइम कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपनी HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जरूर कंप्लेन रजिस्टर करनी है, उनको 30 डेज का टाइम देना है। यहाँ से अगर आप फर्स्ट टाइम कंप्लेन फाइल कर रहे हो तो ये आपने क्लिक करना है, अगर ऑलरेडी कंप्लेन कर चुके हैं तो एग्जिस्टिंग कंप्लेनेंट में जाना है, अब अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो न्यू कंप्लेनेंट कंप्लेन फाइल कर रहे हो तो HFC आपने चूज करना है। इस इश्यू को लेके पहले भी आपने कंप्लेन की है नेशनल हाउसिंग बैंक को तो यस और नो, तो अगर आप ऑलरेडी कंप्लेन कर चुके हैं तो बेटर है कि आप दोबारा से ना करें, वो रिजेक्ट हो सकती है, आप अपील करें जो डिसीजन आया था उसके अगेंस्ट, फर्स्ट टाइम कंप्लेन में ना जाए तो देन नो। उसके बाद आपके सामने सारे ऑप्शन है, जो कंपनी है ये देखिए, ये भी लंबी लिस्ट है, जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है इंडिया में उस सब की लिस्ट यहाँ पे दी है, आपका पूरा नाम है, देन कंप्लेन टाइप, आप ऑलरेडी कंप्लेन फाइल कर चुके हैं, आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो सिंपली स्टेटस में जाइए
और यहाँ पे अगर आपने अपने ही जो फर्स्ट टाइम कंप्लेन की उसका स्टेटस चेक करना है तो कंप्लेन चूज कीजिए और कंप्लेन एक्नोलेजमेंट नंबर डालिए। अगर आपने ये देखिए आपकी ईमेल पे भी होगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं अगर आपने कहीं उस टाइम नोट डाउन ना किया हो। अगर आपने जो कंप्लेन फर्स्ट टाइम की थी उसके डिसीजन के अगेंस्ट आपने चीफ ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को अपील की थी तो अपील एक्नोलेजमेंट नंबर आप डालिए। और उसके बाद इनमें से कोई भी ऑथेंटिकेशन इनपुट आप चूज कर सकते हैं, लाइक जो ईमेल आईडी आपने दी थी, डेट ऑफ बर्थ आप दी थी, देन सबमिट। तो यहाँ से आपको स्टेटस पता चल जाएगा। अब ये दोबारा नेशनल हाउसिंग बैंक की वेबसाइट पे मैं आ गई हूँ, ई सर्विसेज में दोबारा से गई हूँ, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में, देन अगेन कंप्लेनेंट। तो मैंने बताया कि न्यू कंप्लेनेंट की जगह कैसे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, देन एग्जिस्टिंग कंप्लेनेंट और एपेलेंट। अब ये देखिए अगर आपने स्टेटस चेक करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं अपनी कंप्लेन का। अब स्टेटस चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि जो डिसीजन चीफ ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर का आया है उससे आप संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप यहाँ से फर्स्ट टाइम अपील फाइल कर सकते हो। अब जो चीफ ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर है अगर उनके डिसीजन से भी बाद में आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उनके डिसीजन के अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हो नेशनल हाउसिंग बैंक के जो चेयरमैन है उनको। तो अगर आपने ऑलरेडी अपील फाइल की हुई थी तो आप यहां से उस अपील का स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन कंप्लेन ना फाइल करके ऑफलाइन करना चाहते हैं, मतलब आप ऑफिस में भेजना चाहते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के, तो ये हिंदी में फॉर्म है, आप इसकी कॉपी डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं, और यही सेम फॉर्म इंग्लिश में भी दिया है। आपके बैंक, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज कंपनीज, पोस्ट ऑफिस, डिफेंस फोर्सेस एंड ट्रेवल वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो सब्सक्राइब लिखा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। बेल आइकन पे आपने क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करना है। यहाँ से वीडियो को लाइक करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें। तो ये थी मेरी वीडियो, होम लोन की प्रॉब्लम्स को कैसे रिसोल्व कराएं, बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होता है उस पर वीडियो बना चुकी हूँ, वो पूरी ध्यान से देखें। ऑनलाइन कंप्लेन बैंकिंग ओम्बड्समैन को कैसे करें उस पर भी वीडियो है, और साथ में जो अपील कर सकते हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पे उस पर भी पूरी वीडियो है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।